असलम स्टूडेंट एंड वेलकम इंग्लिश क्लास फॉर लेवल टू एंड लेक्चर एंड यू नो दैट आवर टॉपिक ने मिस ना सीट इन ट्रबल फर्स्टली आई गिव द शॉर्ट रिव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके वर्ड्स मिनिंग सेंटेंसिस को रीड आउट किया था एंड टूडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ द पोशन ऑफ रीडिंग ओके फर्स्टली आई गिव द शॉर्ट रिव्यून दिस स्टोरी मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगी स्टोरी के बारे में फर्स्टली ताकि आप में एक इंटरेस्ट कैप हो सके एंड दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी सो सोलर स्टार्ट आपकी जो स्टोरी है उसका बेसिक करेक्टर है नासिर नासिर अपने अंकल जिनका नेम है अंकल समी उनके साथ लाहौर जा रहा था एंड उनकी मामा उन्हें गुड बाय करने आती है प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म जहाँ पर ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसको वहाँ पर आती हैं और उसको गुड बाय कहती हैं क्लियर है और साथ और साथ में चलाती हैं शी शाउट एंड कैटिन इनटू ट्रबल और वो चला के कहती हैं प्लीज़ किसी भी मुसीबत में मत आना क्लियर है अब वो जल्द ही नासिर और अंकल समी लाहौर पहुंच जाते हैं अंकल समी को नासिर बहुत पसंद करता है क्योंकि वो एक जॉली मैन है वो एक फ़नी मैन होते हैं सो तो वो उनके साथ रहता है लाहौर में एंड वो अगली मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग में अंकल समी को कहता है मेरी अम्मी को ये लाजमी लिख दें कि आई एम नॉट गेटिंग इन टू एनी ट्रबल मैं किसी भी मुश्किल में नहीं आ रहा या कि मैं किसी भी मुश्किल में नहीं हूँ अंकल समी हंसते हैं और कहते हैं क्यों नहीं मैं कह दूँगा क्लियर है फिर क्या होता है नासिर जाता है फॉर आउटिंग बाय घूमने के लिए शलीमार बाग में वहाँ पे वो एक बच्चा उसको दिखाई देता है वो रो रहा होता है उसके पास जाता है उससे पूछता है व्हाट हैपन क्या मसला है व्हाट्स द इशू और क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें क्या हुआ है और क्या मसला है और वो लड़का उसको बताता है स्टोरी कि मैं गिर गया हूँ और मेरी टांग बुरी तरह डैमेज हो गई है और मेरा कुत्ता अपनी लीड को तोड़कर कर यहाँ से भाग गया है अब स्टोरी में होता क्या है स्टूडेंट एट द एंड बेसिक स्टोरी किस पे है कि हम पढ़ेंगे हम जानेंगे बाई रीडिंग ओके स्टूडेंट आपको नाम बताने का मकसद होता है कि आप में एक क्यूरियोसिटी मेंटेन रह सके सो लेट्स स्टार्ट पुश योर फिंगर नासिर वेट गुड बाय नासिर वेट होता है बेसिकली ऐसे हाथ से बाय बाय करना ओके नासिर वेट नासिर हिलाता है या करता है गुड बाय गुड बाई द ट्रेन जैसे ही ट्रेन पुल्ड आउट निकलती है ऑफ द स्टेशन स्टेशन से हिज मदर इसकी जो अम्मी जान है स्टूड खड़ी थी ऑन प्लेटफार्म प्लेटफार्म पर वेविंग हाथ हिलाती हुई वेविंग होता है क्या फर्स्टली स्टूडेंट यू कैन सी द पिक्चर आप पिक्चर देख सकते हैं उसमें ये देखें कुछ लोग हैं प्लेटफार्म पर आए हैं जिसमें क्या है नासिर और अंकल समीर ट्रेन के अंदर हैं एंड मदर बाहिर है जो नासिर की मदर वो बाहर है और यहाँ पे वो गुड बाय उसको करने आई हैं ठीक है और ट्रेन अब चल पड़ी है नाउ बी गुड अब ठीक है शी वो चलाई एंड डोंट कंटिन टू ट्रबल और किसी भी मुश्किल में मत आना ठीक है उसकी मदर नासिर को कहती है नासिर वाज सोन इन लाहौर नासिर जल्दी ही लाहौर था ही वाज टैंग विद हिज अंकल समी ही वाज टैंग वो रुक रहा था विद हिज अंकल समी अपने अंकल समी के साथ नासिर लाइट अंकल समीर समी जो नासिर था वो अंकल समी को पसंद करता था ही वॉज अ वेरी जोली मैन वो एक फ़नी मैन थे जोली मैन थे एंड टोल्ड एक्साइटिंग स्टोरी और सुनाते थे बताते थे एक्साइटिंग हैरान हैरानगुन मज़े मज़े की स्टोरीज कहानियाँ मेक श्योर यू लाजमी यू तुम राइट right लिखो एंड टेल मदर और बताओ अम्मी को दैट आई एम नॉट गेटिंग इन टू एनी ट्रबल मैं किसी भी मुसीबत में नहीं हूँ ओके okay? नासिर टोल्ड हिज अंकल नासिर बताता है या कहता है हिज अंकल अपने अंकल को वन मॉर्निंग एक सुबह ठीक है अंकल समी अंकल समी लाफ्ट हंसता है हंसते हैं अंकल हमी समी उसकी के बाद सुन के हंसते हैं ओके आई विल मैं कर दूंगा कर दूंगा ही सेट वो कहते हैं एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकले लेट स्टूडेंट आज हम यहीं तक रीडिंग का पोर्शन पढ़ेंगे ठीक है आपको होप्स so, आपको समझ आया होगा कि बेसिकली स्टोरी किसके राउंड अबाउट है नासिक के हैं क्लियर है वो अपने अंकल समी के साथ लाहौर जा रहा है वो जब प्लेटफार्म पर आते हैं तो उसकी मम्मा वहाँ पर खड़ी होती है उसको गुड बाय कहती है शी शाउड इट एंड डोंट गेट इन टू उसको कहती है किसी भी मुसीबत पे नहीं आना वो लाहौर पहुँच जाते हैं स्टूडेंट सो so नेक्स्ट क्या होता है वो हम स्टोरी में जानेंगे सो स्टूडेंट अब uh, इस रीडिंग के पोर्शन में जितने क्वेश्चन आएंगे हम उसके उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे ओके okay? उसको साथ साथ पढ़ेंगे इस तरह आप जो रीडिंग का पोर्शन है उसको भी रिमेंबर रख सकते हैं और जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको भी आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं सो लेट्स स्टार क्वेश्चन नंबर वन व्हाट काइंड मैन वाज अंकल समी अंकल समी किस किस्म के इंसान थे स्टूडेंट आपने अभी रीडिंग में क्या पढ़ा है एंड इट्स आंसर इज़ अंकल समी वॉज अ चौली मैन अंकल समी एक चौली मैन थे मजाही आदमी थे मजे के आदमी थे फनी मैन थे ओके सो होपर स्टूडेंट आपको समझ आया होगा एंड इन नेक्स्ट आई मैं डायरी फॉर यू रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर लर्न दम एंड राइट ऑन योर नोट बुक थैंक यू